आज इस वीडियो के अंदर हम इंडक्शन कुकटॉप के कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स के बारे में सीखेंगे, रिपेयरिंग स्टेप्स के बारे में सीखेंगे, और इंडक्शन कुकटॉप के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे चेक करना है, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके पैनल के बारे में जान लेते हैं। ये इंडक्शन कुकटॉप है प्रेस्टीज का पिक 16.0 प्लस, और ये सिरामिक प्लेट है। इस सिरामिक प्लेट के ऊपर हमें फ्लैट सरफेस वाला इंडक्शन कुक टाइप यूटेंसिल्स रखना है, बर्तन रखना है, और वो फ्लैट सरफेस का होना चाहिए। तो हम इसमें कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुक, कड़ी, डोसा, चपाती, इडली, डीप फ्राई, हॉट मिल्क, हीट मिल्क, कीप वार्म और सोते। तो इन चीजों को हम, इन प्रोग्राम्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर टोटल 8 प्रोग्राम्स हैं। इन 8 प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है प्रेस्टीज के इंडक्शन कुकटॉप के अंदर, या किसी भी इंडक्शन कुकटॉप के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे। थोड़ा सा हम पहले पैनल के बारे में जान लेते हैं, उसको यूज करने के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज हम बताते हैं, अगर इसको इंडक्शन कुकटॉप को हम बिना यूटेंसिल के यूज करेंगे तो इसमें कुछ चेंज आता है या फिर ये वर्क करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हम इसको ऑन करेंगे और कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, अगर हम कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं तो ये E0 यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रहा है और बीप साउंड दे रहा है ये कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने इस पर कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ है और ये यूटेंसिल्स हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो हम इसको यूटेंसिल्स को जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए वो एरर चला गया और PC यहाँ पर लिखा हुआ गया। PC मतलब प्रेशर कुक। इसके अंदर 1300 वाट पावर कंजप्शन होता है, वाटेज 1300 वाटेज है, और 200 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होता है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इसको हम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम इसको 60 डिग्री 120 वाट से 2000 वाट तक इंक्रीज कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग, एक्सेप्ट कीप वार्म। तो हम अगर कड़ी को सिलेक्ट करते हैं तो CU लिखा आता है और ये 1100 वाट पर सेट है। डोसा को यूज करते हैं तो 1300 वाट पर सेट है 200 डिग्री। इडली को सिलेक्ट करते हैं तो ये 2000 वाट पर है, 240 डिग्री टेम्परेचर। डीप फ्राई सिलेक्ट करते हैं तो 1100 वाट है और 180 डिग्री टेम्परेचर। और हीट मिल्क सिलेक्ट करते हैं तो ये 15 दिखाता है प्रोग्राम और 1100 वाट है, 180 डिग्री सेल्सियस। कीप वार्म करते हैं तो ये 120 दिखाता है वाटेज और 60 डिग्री सेल्सियस। सोते यूज करते हैं तो 1300 वाटेज और 200 डिग्री टेम्परेचर। तो हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हीट मिल्क के अंदर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और हीट मिल्क के अंदर हम खाली 180 डिग्री तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं ले जा सकते। इडली के अंदर हम इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं टोटल। डोसा के अंदर हम इसको 1300 से ऊपर नहीं ले जा सकते, डाउन कर सकते हैं, हम इस डाउन भी नहीं कर सकते और अप भी नहीं ले जा सकते। और अगर हम इसको कड़ी पर सिलेक्ट करते हैं तो कड़ी में हम इसको डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं 1800 वाट तक। प्रेशर कुक के अंदर हम इसको 2000 वाट तक ले जा सकते हैं और कम कर सकते हैं बिल्कुल 60 वाट तक। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर पानी बॉयल होने लगा है और यहाँ पर स्टीम आ रही है, पानी का टेम्परेचर काफ़ी हो गया है। तो देख सकते हैं आप कि ये गर्म हो रहा है और ये ओके चल रहा है। तो ये थी ओके की कंडीशन। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम पर पॉज करेंगे, इसको पॉज हो जाएगा और फिर से रिज्यूम करेंगे तो रिज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से ये पानी गर्म होता है इसके अंदर। अगर ये गर्म नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, सपोज करो पानी गर्म नहीं हो रहा है या यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम इसका ट्रबल शूट करेंगे और कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स एरर में भी मैनुअल में भी दिए होते हैं, उनको भी चेक करेंगे। तो अभी सपोज करो ये वर्क नहीं कर रहा है या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा इंडक्शन कुकटॉप को। और ओपन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये गर्म होगा तो इसको नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तुरंत इसको यूज नहीं करना है, ये गर्म होता है तो इसको तुरंत यूज नहीं करना है हमें। अगर इसको हमें रिपेयरिंग करनी है और इसको ओपन करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पीछे डॉट्स दिए गए हैं ये वाले, इनको रिमूव करना है। इसके स्टॉपर हैं जो रबड़ के हैं, जो लगाए हुए हैं बैक साइड में, इनको रिमूव करना है। इस तरह से इजीली रिमूव हो जाएंगे, ये 4 स्टॉपर दिए हुए हैं, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं।
और जब हम इनको रिमूव करते हो तो यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं चार, और एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है, तो टोटल 5 स्क्रू हैं। इनको हमें ओपन करना है जिससे कि हम इसको बैक कवर को हटा सकते हैं, बाकी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो हमने ये स्क्रूज ओपन कर लिए हैं, अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब ये ओपन हो चुका है, और इसमें ये डिस्प्ले पीसीबी है, ये हीटिंग कॉइल है जिससे कि गर्म होता है ये सेरामिक प्लेट, और इसके बाद जो भी हम चीज़ पका रहे हैं वो पकता है। ये फैन मोटर है, ये मेन पीसीबी है, और यहाँ पर बीच में लगा हुआ एक हीट सेंसर है। तो हमें इस डिस्प्ले पीसीबी को चेक करना है, तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। ये स्क्रूज लगे हुए हैं कुछ यहाँ पर, 5 स्क्रूज है, इनको ओपन करना पड़ेगा और हम इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद हमें अगर हीटिंग प्लेट को चेक करना है, एलिमेंट को, तो हम ये 3 स्क्रू दिए गए हैं इनको ओपन करेंगे और फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। और फैन मोटर को चेक करने के लिए हमें ये 2 स्क्रूज रिमूव करने हैं और फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिस्प्ले पीसीबी, हीटिंग प्लेट, कॉइल और फैन मोटर, और अगर हम सेंसर चेक करना चाहें तो सेंसर को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं हम। यहाँ से कनेक्टर हमें इसका निकालना पड़ेगा, तो जैसे हम इसका कनेक्टर निकालेंगे हम इसको बाहर निकाल कर चेक कर सकते हैं, और फिर इसके नीचे हम मेन पीसीबी को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इसको खोलना पड़ेगा तो उसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्क्रू ड्राइवर को की मदद से हम इसके ये तीनों स्क्रू ओपन करेंगे। सो नाउ वी हैव, मतलब अभी हमने ये रिमूव कर लिए हैं तीनों स्क्रूज, और रिमूव करने के बाद हम इसको टर्न करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कनेक्टर है सेंसर का, ये रिमूव कर लेना है, नहीं तो ये वायर ब्रेक हो जाएगा। और एलिमेंट को, इसको हीटिंग एलिमेंट को निकालने के लिए हमें ये दिए गए 2 स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे। जब हम ये 2 यहाँ पर स्क्रू लगे हुए इनको निकाल देंगे तो ये वायर इसके हीटिंग एलिमेंट के हट जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, फिर इसको हम चेक कर सकते हैं। और ये मेन पीसीबी है, इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फैन मोटर को निकालने के लिए 2 स्क्रू खोल लें और हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे पार्ट्स को निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं।